जय हिंद। आइए आपके लिए लेकर फिर से उपस्थित है कक्षा 10 गणित प्रमेय नंबर 2। क्या है प्रमेय? सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आपके लिए जो भी लिखकर आएगा वो केवल इतना ही लिखकर आएगा कि सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बाकी चित्र, ये चित्र आपको ही बनाना है। बाकी जो हेडिंग है 4 वो भी आपको लिखनी है। केवल मिलेगा ये कि सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम पहले भी इससे पहले जो एक प्रमेय आपको प्रोवाइड करा चुके हैं उसमें भी कहा था आपसे कि जैसे हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो भी भाषा है, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये जो भी भाषाएं हैं, संस्कृत है, तो ये जब भी आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें लिख के आता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कोई एक पद्यांश या गद्यांश इस तरीके से दिया जाता है, दिए गए गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपका क्या तरीका रहता है उसे हल करने का? तो उसके लिए क्या सबसे पहले हेडिंग डालते हैं निर्देश, निर्देश या उद्देश्य लिख देते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या लिखते हैं, जो भी पैराग्राफ दिया है उसके 2 अक्षर शुरू के लिख दिए, डॉट 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 2 अक्षर लास्ट के लिख दिए, यानी ये दिया गया है या निर्देश में ये है। उसके बाद प्रसंग, किस पाठ से लिया वो, ये इसकी किस विषय पर बातचीत हो रही है। उसके बाद संदर्भ, किस अध्याय से लिया गया है, कौन इसके लेखक है या रचयिता है। उसके बाद डालते हैं व्याख्या, और व्याख्या समझ में आती है तो ठीक है, नहीं जैसे का तैसा उतार के लिख के छोड़ के चले जाते हैं और नंबर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसी में जैसे भाषा में आपको व्याख्या करने के लिए दी जाती है, ठीक इसी प्रकार मैथ में आपको प्रमेय करने के लिए दी जाती है। तो जैसे उसमें भी 4 हेडिंगें होती हैं, ऐसे ही 4 हेडिंगें इसमें होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में बातचीत हो रही है, हमने एक वृत्त बनाया, एक जीवा खींच दी, जीवा आप कहीं भी खींच सकते हैं, आपने यहां जीवा खींच दी और केंद्र से उस पर डाला लंब, लंब डाला, इसके एजन एक तरफ से लगा दिए कि जिससे पता चले कि कौन सी कैटेगरी, मतलब किसी को नोट करने के लिए ये इस तरीके से क्लॉकवाइज के ये तीर लगा दिए इधर से इधर को, जिससे जो कोण लिखा जाए उसे आसानी से आप पहचान सकें, ठीक। इस तरीके से लिखने के बाद अब हेडिंग नंबर 1 ज्ञात। ज्ञात क्या है? तो सब प्रश्न, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। जो आपके पास 4 हेडिंगे हैं उन चारों हेडिंगों का सारांश सब इसी में छिपा हुआ है। देखिए ज्ञात क्या है, सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के बारे में बातचीत हो रही है और जीवा के बारे में बातचीत हो रही है, डाला गया लंब है, समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ज्ञात क्या है? ज्ञात है COR, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी सी का मतलब सर्कल, एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या आर है, COR एक वृत्त है जिसमें AB जीवा तथा OL डाला गया लंब है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इस प्रकार एक हेडिंग आपकी तैयार हो गई। आप केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं तब भी ठीक रहेगा, मतलब हेडिंग लिख दी हमने, उसमें कम लिख दिया या थोड़ा ज्यादा लिख दिया। तो ज्ञात है या दिया है, उद्देश्य जो है वो क्या है, ज्ञात है या दिया है हेडिंग डालने के बाद। COR एक व्रत है जिसमें AB जीवा तथा OL डाला गया लंब है।
इसके बाद दूसरी हेडिंग, जो दूसरी हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, फिर पढ़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं उसी में उसका जवाब छिपा हुआ मिल जाएगा कि सिद्ध कीजिए, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जो जीवा है उसे आधा आधा करता है, आधा इधर आधा इधर, अर्थात जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि ए एल बराबर बी एल, सिद्ध करना है ए एल बराबर बी एल। इसके बाद तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग रचना, रचना में क्या किसी की सहायता लेके उसे हल करने की कोशिश करते हैं कि उसे कैसे सिद्ध कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास रचना है। तो व्रत बना हुआ है, भुजाएं खिंची हुई है, अगर कोण और कहीं से मिल जाए तो कोण और त्रिभुज की सहायता से हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ओ से ए को मिला दिया, डॉट डॉट करके ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया, बस वही लिख दिया इस रचना के अंतर्गत कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। उसके बाद लास्ट एडिंग उपपत्ति, उत्पत्ति लिख सकते हैं या उपपत्ति हेडिंग डाली। जैसे ही इस तरीके से तैयार हुआ, ये डाला गया लंब है, जब लंब है तो आप जानते हैं इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब एक त्रिभुज बनके ये तैयार हुआ है, एक त्रिभुज बनके ये तैयार हुआ है, इस इन दो त्रिभुजों के माध्यम से हमें सिद्ध करना है कि ये भाग इस भाग के बराबर होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज ए एल ओ तथा त्रिभुज बी एल ओ में, त्रिभुज ए एल ओ तथा त्रिभुज बी एल ओ में, एक इधर त्रिभुज बना हुआ है और एक इधर त्रिभुज बना हुआ है, इन त्रिभुजों की सहायता से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आइए देखते हैं। ए एल ओ तथा बी एल ओ में, ए एल ओ तथा बी एल ओ में अगर छांटने की कोशिश करते हैं तो क्या है कि ओ ए बराबर ओ बी, आप इसका जवाब देंगे स्पष्ट कि ओ ए ओ बी के बराबर क्यों है, क्यों यहां केंद्र बना हुआ है, जब केंद्र बना हुआ है केंद्र से यहां परिध को मिलाया गया, केंद्र से यहां परिध को मिलाया गया, चाहे केंद्र से यहां परिध को मिलाया गया, चाहे केंद्र से यहां परिध को मिलाया गया, ये सभी उसकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो निश्चित रूप से बराबर होंगी। तो OA का मान OB के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा कि वृत्त की त्रिज्या है। इसका स्पष्ट जवाब यह हो गया कि यह बराबर क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोण ए एल ओ बराबर कोण बी एल ओ, ए एल ओ और बी एल ओ दोनों कोण बराबर है क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, क्यों डाला गया जब लंब है, जब लंब डाला गया तो लंब निश्चित रूप से क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके बाद और इसी में छांटते हैं तो क्या है, ओ एल बराबर ओ एल, ओ एल इस त्रिभुज का ओ एल और उस त्रिभुज का ओ एल दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। उसका कारण क्या है कि दोनों त्रिभुजों में वह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का कार्य कर रहा है, इसलिए दोनों में बराबर है। तो दो त्रिभुजों में जब तीन कंडीशनें मैच कर जाती हैं, यानी तीन एक त्रिभुज के अंतर्गत तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं तीन कोण छह हो गए, टोटल पार्ट छह पार्ट हो गए, छह पार्टों में अगर किसी तरीके से उनके तीन अंग आपस में समरूपता प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, अर्थात त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो आप यहां लिख सकते हैं,
क्या है? दो तो भुजाएं, दो भुजाएं हैं, एक कोण है, तो क्या कह सकते हैं? भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा, एक भुजा कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज एएलओ सर्वांगसम त्रिभुज बीएलओ। एएलओ और बीएलओ जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं वो कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब सब कंडीशनें बराबर हो गई। ये भुजा इसके बराबर है, ये खुद के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। जब सर्वांगसम है अर्थात ए एल बराबर बी एल, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। यह है इसका प्रारूप। किसी भी प्रमेय को रटने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, आप निश्चित रूप से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप सब निकाल सकते हैं, और उन सभी का सारांश जो आपको दिया जाता है बस उसी में छिपा होता है। तो क्या था? सिद्ध कीजिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ज्ञात है कि COR एक वृत्त है जिसमें AB जीवा तथा ON डाला गया लंब है। सिद्ध क्या करना है? इधर वाली बाजू इधर वाले के बराबर होगी, ये सिद्ध करना है कि ये आधा आधा इसे बांटता है। उसके बाद रचना, रचना में सहायता ले ली, त्रिभुज बना दिए OA बराबर OB त्रिभुज बना दिए। उसके बाद उत्पत्ति एएलओ बीएलओ दो त्रिभुज दिए गए हैं। इन त्रिभुजों में क्या देखेंगे आप? इधर देखिए इधर देखिए, जब इस प्रकार से दिए गए तो दोनों ये आपस में इसके बराबर है, क्योंकि वृत्त की जीवाएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये ओएल ओएल दोनों में एक का ही काम कर रहा है तो वो तो बराबर होगा ही, लंब है चूंकि, इसलिए इधर वाला कोण इधर वाले कोण का बराबर होगा और निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। तो जब समरूपता प्रदान हो गई तो इसका मतलब ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी। आप इसका एक और मेथड भी, उत्पत्ति का जो दूसरा मेथड है, उत्पत्ति का दूसरा मेथड भी कवर कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से सेकंड मेथड क्या होगा, त्रिभुज ए एल ओ तथा बी एल ओ में, त्रिभुज ए एल ओ तथा बी एल ओ में प्रत्येक 90 डिग्री है, अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इधर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कह रही है कि OA का वर्ग बराबर OL का वर्ग धन AL का वर्ग, नंबर एक। इस त्रिभुज में लगा दिया कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इधर वाले में लगाया तो क्या होगा? OB का वर्ग बराबर OL का वर्ग धन BL का वर्ग, नंबर दो। समीकरण एक व दो से, एक व दो से, एक व दो पर जाए तो OA का मान OB के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसका मान आपस में कैसा है? बराबर है। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? OA वर्ग बराबर OB वर्ग। समीकरण एक व दो की सहायता से OA और OB का मान रख दिया वर्ग का, तो क्या मान रखा है? OL वर्ग धन AL वर्ग बराबर OL वर्ग धन BL वर्ग। OL वर्ग से OL वर्ग कट जाएंगे, क्या प्राप्त होगा? AL वर्ग बराबर BL वर्ग। इसका मतलब AL का मान किसके बराबर आ गया? BL के बराबर आ गया।
और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो आपको यह भी जवाब मिल सकता है, इस तरीके से कर सकते हो, इधर भी समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी दोनों में, और उसमें भी इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA वर्ग का मान OB वर्ग के बराबर होगा, जब OA वर्ग का मान OB वर्ग के बराबर होगा, बराबर कर दिया, OL वर्ग से OL वर्ग कैंसिल हो गया, AL वर्ग बराबर BL वर्ग, अर्थात AL का मान BL के बराबर होगा, आप कह सकते हैं। अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और ये तो सिद्ध करने वाली बात हो गई, आप इस पॉइंट को भी विधिवत याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आते हैं जो आंकिक प्रश्न, उसमें किसी कोण का मान पूछा जाता है, कभी किसी भुजा का मान पूछा जाता है, ये भुजा दे दी जाती है, भुजा दे दी जाती है, उसकी त्रिज्या पूछी जाती है, या जीवा की लंबाई दे दी जाती है और ये त्रिज्या दे दी जाती है, तब डाले गए लंब की लंबाई पूछी जाती है, कभी ये और ये दे दिए तब जीवा की लंबाई पूछी जाती है। तो इन चीजों को ज्ञात करने के लिए आपको इस पॉइंट को जानना अति आवश्यक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।